ओके वेलकम टू द लंडन गाइज। अभी मैं हूँ यहाँ पे मतलब सेंट्रल लंडन में, और ये जो जगह है मतलब ये लेस्टर स्क्वायर की तरफ जाता है, यहाँ से रोड पीछे लेस्टर स्क्वायर है, और यहाँ पे मेनली सारे लोग यहाँ पे खड़े होते हैं, चिल करते हैं। इधर पीछे मैकडॉनल्ड्स है, जितने भी अगर कुछ इवेंट्स होने हैं यहाँ पे, जैसे वो खड़े रह के जो वो नहीं होता, लोग नाचते वाचते हैं, पेंटिंग वेंटिंग, लाइव पेंटिंग, चलो दिखाता हूँ कुछ चीज़। ये देखो लाइव पेंटिंग वगैरह करते हैं, देखो सामने बंदा बैठा हुआ है और वो पेंटिंग बना रहा है, उसकी लाइव पेंटिंग चल रही है। ये देखो ये बंदे की लाइव पेंटिंग चल रही है एकदम सामने। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती है, डांस परफॉर्मेंसेस अगर कुछ होना है तो वो सारा होता रहता है यहाँ पे। मेन जो है ये स्ट्रीट है, लेस्टर स्क्वायर आगे जाता है, आपको लेस्टर स्क्वायर है क्या समझ में आएगा, वो जो आपको फ्लैग दिख रहा है ना, वो फ्लैग वो इसका मतलब समझ लो कि आप लेस्टर स्क्वायर में आ गए हो, और यहाँ से फिर सीधा जाओगे तो लेस्टर स्क्वायर सीधा शुरू होते रहेगा। दिखाने वाला हूँ लंदन में, दैट इज़ हैरी पॉटर का जो है आउटलेट, एक जो प्लेटफॉर्म 93/4 है जो किंग्स क्रॉस पे, वो एक ओरिजिनल है इनका, जहाँ पे हैरी पॉटर के जो ओरिजिनल मर्चेंडाइज है वो सारी चीज़ें मिलती है। लेकिन यहाँ पे भी एक है लेस्टर स्क्वायर के पास, तो वो आपको वहाँ का टूर देता हूँ कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलती है और क्या क्या आप ले सकते हो, कितना एक्सपेंसिव होता है जब अगर आप लंदन आते हो, और अगर आपको ख़रीदना है तो, या अगर आपको ऑनलाइन भी लेना है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो चलते हैं वहाँ पे। ये देखो ये यहाँ पे रिक्शाज होते हैं नॉर्मली, कुछ आप ले आप ले, हाँ ये जो रिक्शाज होते हैं यहाँ पे, ये दिखाओ, ये देख लो, ये जो रिक्शाज होते हैं मेरे पीछे जो रिक्शाज है, ये आपको रेंट पे मिलते हैं, आप ऐसे इसको, और बहुत महंगे होते हैं, बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, मतलब आप देख लो, अगर आप ऑटो रिक्शा की अगर बात करते हो, ऑटो रिक्शा ही है वो, रिक्शा ही है बेसिकली, बट उसका जो प्राइस है, मतलब एक जगह से 100 मीटर जाने का, 100 मीटर भी अगर आप लिटरली 100 मीटर जाओगे ना, तो आपको 40-50 पाउंड 60 पाउंड जो मर्जी मांग लेंगे, और कोई फ़ायदा नहीं है उसका बेसिकली, बस मज़े के लिए लोग गाना, वो लोग आपकी मर्ज़ी का गाना प्ले करते हैं, आपको जो चाहिए वो गाना प्ले कर देंगे और बोलेंगे चलो करो। तो बेसिकली दैट्स द होल थिंग अबाउट दोज रिक्शाज, बट आई डोंट लाइक दैट। और ये जो है, एक मिनट, ये है चाइना टाउन, ठीक है, ये चाइना टाउन के लिए इधर रास्ता जाता है। मैंने ऑलरेडी चाइना टाउन के ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ कि चाइना टाउन में क्या होता है क्या नहीं होता है, लंदन के ऊपर मैंने काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ, दिस इज़ वन ऑफ देम, तो जिसमें मैं हैरी पॉटर वाला दिखाने वाला हूँ मेनली। यार हैरी पॉटर का ऐसा नहीं कि आई एम नॉट अ बिग फैन, तो जज मत करना, पर वो हाउस वगैरह होते हैं उनके, स्लिदरिन, ग्रिफिंडोर, हफलपफ, ठीक है, मेरे को ना घंटा लेना देना नहीं है। लोग एक्साइटेड होते हैं हैरी पॉटर के लिए, लोग इधर आते हैं, मेरी यूनिवर्सिटी थी हैरी पॉटर वाली, मेरे को घंटे से फ़र्क है, मैं ब्रो यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो से पढ़ा हूँ, जो बिल्कुल हैरी पॉटर जैसे दिखती है, हॉगवर्ट्स जैसे दिखती है, चलो, बट मेरे को घंटे से फ़र्क है ब्रो, मैंने कभी कुछ नहीं किया, सिंपल चीज़ है। तो जो लोग हैरी पॉटर के लिए पागल हो रखे हैं ना इधर, उनके लिए वीडियो है, तो पूरा टूर दिखाएंगे अंदर क्या होता है, कौन सी चीज़ें आपको मतलब इन्होंने बना रखी है मर्चेंडाइज में हैरी पॉटर के फैंस के लिए, एंड इट्स काइंड ऑफ एक्सपेंसिव, मतलब मुझे नहीं समझ आता कि छोटे छोटे लकड़ियों का लोग इतना पैसा क्यों देंगे। हाउस ऑफ स्पेल्स नाम है इसका, तो हाउस ऑफ स्पेल्स चलते हैं अंदर दिखाते हैं। ये देखो आ गए बाहर, ये देखो लोग हमेशा पागल हो जाते हैं, जितने भी बाहर से अंदर, अंदर से बाहर जाते हैं, पीपल को क्रेजी। चलो ये हमारी एंट्री हो गई अंदर, ये देखो इयररिंग्स है, सारी चीज़ें आपको मतलब जो चाहिए हर एक चीज़ यहाँ मिलती है आपको। ये पानी की बॉटलें रखी हुई है अलग अलग कलर्स की, हाँ द स्पेल्स, अच्छा आई नो इट्स नॉट पानी की बॉटल, इट्स स्पेल, बट वॉट एवर, आई डोंट गिव अ शिट। चॉकलेट्स और ये सारी चीज़ें रखी हुई है, उसके बाद ये लॉकेट्स है, ये देख लो लॉकेट्स, और मतलब हाथ में पहनने के जो ब्रेसलेट्स हैं वो भी है लड़कियों के लिए, देखो इन्होंने क्या क्या कर रखा है, क्लिप्स है, हेयर बैंड्स है, ये सारी चीज़ें, कोई भी आपको जो आप हाउस वाला सिलेक्ट करना चाहते हो, बैचेस है, आई मीन आई लाइक दिस टू बी ऑनेस्ट, ऐसी चीज़ें आई लाइक इट। ये प्लेटफॉर्म 3/4 का, ये देखो ये वॉन्ड्स है, जो भी वॉन्ड लिखा हुआ है कि प्लीज़ नॉट टच, फिर भी लोग करते हैं, हाथ लगाते ही ये लोग, ठीक है, ये इनकी वॉन्ड्स है, ये प्रॉपर डब्बों में आती है, और मतलब बहुत बड़ा ही, देखो ये अलग अलग वॉन्ड के डब्बे होते हैं यहाँ पे, इन्होंने इतनी सारी चीज़ें रखी है ना, मतलब आई फील लाइक यार क्या इतना चुतियाब करने की ज़रूरत है। देखो फेदर रखे हुए, मतलब वो जो पेन है वो रखे हुए, टी शर्ट्स तो होंगे ही होंगे, चॉकलेट्स रखे हुए यहाँ पे, बुक्स रखे हुए हैं पुराने वाले, आई एम नॉट श्योर कि इफ दे सेल इट और नॉट, बट देन है, तो फिर बॉटल्स और ये डॉबी हाउस ऑफ एल्फ, ये देखो, अगर आप फ़ैन हो ना यार, मतलब आपके लिए यहाँ पे हर एक चीज़ है,
फ़ैन के लिए सारी चीज़ें, फ़ैन नहीं है तो फिर मेरे जैसे हो तो फिर भी आपको कुछ पसंद आए तो ले सकते हो, कुछ ना कुछ तो अच्छा लग ही जाएगा क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं। मैंने पानी बोल दिया स्पेल्स को, ऊपर आपको ये देखो स्कूल की यूनिफॉर्म मिल जाएंगे इनके, प्रॉपर टी शर्ट्स जो चाहिए वो, जो भी चाहिए हर एक चीज़। प्लेटफॉर्म 9x9 3x4 को जो है वहाँ पे आपको और भी चीज़ें मिलेगी, पर ये आई थिंक बड़ा हुआ है, बड़ा है क्योंकि इसमें फ्लोर्स है वो भी काफ़ी बड़ा है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको फ्रेंड्स की भी चीज़ें मिलती है, बट ये देखो ये गेम ऑफ थ्रोन्स का पता नहीं क्यों रखा हुआ है, गेम ऑफ थ्रोन्स का ही ना है, तो आई हैव नो क्लू। इन्होंने थोड़ा गॉथिक वाला रखा हुआ है, वाइकिंग्स वाला लॉकेट्स। अच्छा दिस इज़ टोटली डिफरेंट, दिस इज़ नॉट हैरी पॉटर एनीमोर, ये वाइकिंग वाला है। ओके वाइकिंग वाला भी हाउस ऑफ स्पेल्स में, पर ये बहुत एक्सपेंसिव है टू बी ऑनेस्ट। ये फ्रेंड्स वाला भी चीज़ें रखी हुई है, यहाँ पे फ्रेंड्स के सारा मर्चेंडाइज रखा हुआ है। मुझे नहीं समझ में आता यार कि मर्चेंडाइज को इतना महंगा बना के क्यों बेचते ज़बरदस्ती में, है तो नॉर्मली चीज़ है। मतलब आप समझ लो ये जो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का मग है, ये जितने का भी होगा मैं तो इसको प्रिंट करा सकता हूँ, बट अगेन सबकी अपनी अपनी मर्जी है। अभी देखो यहाँ टी शर्ट लटका के रखी, ये टी शर्ट के मैं 5 पाउंड ना दूँ है, पर इन्होंने बेचनी है 30 पाउंड की, 30 पाउंड मतलब 3,000 का मैं क्यों दूँ यार। देखो मेरी तरफ लगता हो क्या, मैं एक क्या करूँगा, प्रिंटर ढूंढूंगा, प्रिंटर के पास जाऊँगा और टी शर्ट प्रिंट कराऊँगा, ये वक्चोदी नहीं। पर इन्होंने वैसी हैरी पॉटर वाली वाइब दे रखी है, गाने भी वैसे चलाते हैं और चीज़ें भी वैसी बेचते हैं, लेकिन ये अलग अलग है सारा। नीचे का पूरा फ्लोर जो है हैरी पॉटर वाला है, ऊपर का अलग है, वाइकिंग और फ्रेंड्स में डिवाइड किया हुआ है। ये देखो डॉबी, ये डॉबी नंगा पुतला जो है ना, बाकी है तो अच्छा ये, पर जो ओरिजिनल है वो उधर है, वो उधर प्लेटफॉर्म जो है 9 क्वार्टर जो है वो किंग्स क्रॉस वाला वो सही है, तो वो आप जाके एक बार ज़रूर देखना, वो बड़ा सही है। वहाँ पे वो बाहर वो भी लगा हुआ है ना, जहाँ से वो अंदर घुसते हैं और उधर निकलते हैं। मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ जैसे समझ भी ना आए लोगों इंसान को। तो ये क्लिफिनडोर, ये देखो क्लिफिनडोर का लिखा हुआ है, फ़ैन होंगे तो इनके, हम नहीं कर रहे हैं इनसे कुछ भी, ना खरीद रहे ना देख रहे। अभी चलो इनका रेट बताता हूँ, चलो यहाँ पे लिखा है ना, ओ भाई ये जो है ना, ये पोशाक ये 8,000 की है, ये सिर्फ ये पोशाक है। और ये स्वेटर चलो देखते हैं स्वेटर का क्या रेट है, स्वेटर है 4,000 की, 40 पाउंड, 4,000 की स्वेटर है, गंदी सी स्वेटर है बहन, जो मैं नहीं ले रहा। और फिर ये स्लिदरिन, वो जो गोरा बच्चा नहीं होता वो ब्लॉन्ड वाला, ये उसका हाउस है, ये भी बड़ा महंगा है, 30-40 पाउंड। बट एनी वेज।